हर रूम में जो है लाइट मार मार के ढूंढ रहा था, कहाँ है भूत, कहाँ है भाई, है कहाँ। ये देखो यहाँ एक रूम है, गला थोड़ा बैठ गया, किसी को भी नहीं पता है मैं यहाँ पे हूँ। पूरा एरिया में कहीं पे भी बिजली नहीं है। जगह पे सुबह होता है और नया नया आधा अधूरा रास्ता देखने को मिलता है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। निकल पड़ा हूँ एक गांव की तरफ, गांव कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो सफ़र का मज़ा ले रहा हूँ, मंजिल का मज़ा बाद में लेंगे। यहीं पे सो गया था मैं रात को हिबू भाई के घर। सो कल जो है हिबू भाई के साथ मैं गांव घूम रहा था, वो मुझे घुमा घुमा के पूरा गांव दिखा रहे थे, पूरा कंप्लीट गांव का टूर दिए, और रात को आकर मैं उन्हीं के घर पे मैं सो गया था। और पीछे मेरे देख रहे हो उनका घर का जो है बैम्बू ग्रोव है ये। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, और एक नई सुबह और एक नया दिन। आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन, लाइक नेवर बिफोर। भाई साहब नेवर बिफोर तो हो ही रहा है, हर दिन एक नया जगह पे सुबह जो हो रहा है। तो मेरा हालत खराब हो जाता कल। थैंक यू, चलता हूँ यहाँ, बाय बाय। निकल तो पड़ा हूँ सुबह सुबह बैग टांग के, पर आई होप कि बारिश ना आए। सो हिबू भैया का घर ये था, वहाँ से वापस मैं फिर जा रहा हूँ किसी एक नए गांव पे। ये जो घर देख रहे हो ना, अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट IPS ऑफिसर का घर है ये। सुबह सुबह तो निकल पड़ा हूँ पर मंजिल का अता पता है नहीं, बस जो आधा अधूरा रास्तों का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। खाने के लिए कुछ है नहीं, बैग ढूँढा तो ये बिस्किट मिला और एक ये दूध मिला है, और इसे खा के जो है फिलहाल मैं आगे की तरफ निकलूँगा। जा रहा था रास्ते से ठीक तो देख रहा हूँ आंटी जी आ रहे हैं आगे से, अकेला तो होने से उनको अकेला होने से गिरो में ना कुछ नहीं होगा। वो आदमी बहुत शांति है। हाँ वो तो है। तो जी बोल रहे कि आपको जो है जब पेडी होता है उस टाइम पे आना चाहिए, जीरो में बहुत सुंदर होता है ना। आप खेती पे जा रहे हैं? खेती पे जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका गांव है होंग में? होंग में। होंग आपका गांव है? आ, और आपका खेती इतना दूर में है? खेती दूर में है, बहुत दूर में है। हम लोग को दूर नहीं लगता है। हाँ आप लोग को तो हैबिट हो गया है। सामने है तो ना। यहाँ का जो आवाज है ना, प्योर जंगल वाला आवाज है। ये चीज सिर्फ अरुणाचल में ही मिल सकता है भाई, और कहाँ मिलेगा ये तो मैं बता नहीं सकता, जब मिलेगा तभी बताऊंगा। ये देखो यार, ओ माय गॉड, अभी तो सफर का मजा ले रहा, मंजिल का मजा बाद में लेंगे। वाह वाह वाह, लवली। ये देखो भाई, घर जो है आगे है, गांव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना एक जगह पे घर नहीं होता, बहुत रेयर होता है। जो है फार्म हाउस जैसे घर दिखेगा आपको, एक दो किलोमीटर के अंदर एक घर दिखेगा। ये घोड़ा भाई साहब मिल गए मुझे, और इनका पेट में गैस हो गया है भाई। जा ही रहा था ऊपर से, बारिश शुरू हो गया, पता नहीं क्या करेंगे। क्या लगा आपको मैं ये बोलूँगा? अरे भाई आने दो ना बारिश, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं क्योंकि बारिश बड़ी तेज शुरू हो गया। देखो नया घर बन रहा है यहाँ पे, अगर बारिश थमा नहीं तो शायद रात जो है आज यहीं पे गुजरना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश एक बार शुरू हुआ ना फिर बंद नहीं होता है। यहाँ पे होटल वोटल है क्या, कहीं पे खाना मिलेगा? होटल तो यहाँ पर नहीं है, थोड़ा ये ऊपर जाके आप जब थोड़ा सा ऊपर जाना है, वहाँ पर जो एक लोहा गेट मिलेगा आपका जो राइट साइड तरफ, तो आप उसके अंदर तरफ जाइए, खाना मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ पर आपको रोटी परोटा ये सब मिलेगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। दिन का सिर्फ 11 ही बजा, इतना अंधेरा कहाँ हो जाता है भाई। और आसपास का नज़ारा देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश का जो ब्यूटी है ना वो अनटस्ट है। आप यहीं से चल के जा रहा हूँ और देख रहे हो यार, ये रहा दिल पोलियांग विलेज और उसका इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, और वहाँ पे जो है इनका केंद्रीय विद्यालय भी है, और ये रहा वो अबंडेंट हाउस। आज का रात शायद मेरा यहीं गुजरने वाला, उपाय नहीं है।
दोपहर का 3 बजने वाला है और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज रात जो है मुझे यहीं पे बिताना है। अभी से पता चल चुका है यहाँ पे जो है ये मैंने टांग दिया है, बैटरी भी ख़त्म हो रहा है बार बार, यहाँ पे बिजली है नहीं। बड़ी भूख लग रहा है, बड़ी भयंकर। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कल क्या होगा। आई होप कि सुबह होते ही जो है बारिश थम जाएगा। बस इतना सा ही पानी बचा है और पानी के लिए मुझे वो नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर रास्ता है, बारिश तो पानी में जो है आज मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा इतना सा पानी है। और ये 0 का वाटर है, ये देखो लिखा हुआ है नेचुरल माउंटेन स्प्रिंग वाटर। आई होप रात को अगर बारिश जोर से हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर छत है, ऊपर जो है छत तो देख रहे हैं। पर अगर ज़ोर से हवा होने लगा ना तो मैं आ जाऊंगा दिक्कत में, अगर होगा तो। क्यों पता है इधर से जो पानी है, ये तो दीवार है, दीवार किसी ने तोड़ दिया है, तोड़ के अभी ये विंडो हो गया है। सो पानी जो है अंदर चला आएगा, अंदर चला आया पानी तो मैं दिक्कत में आ जाऊँगा, वरना और कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो दरवाज़ा भी है, इसको भी बंद कर देता हूँ, तो पता चला कि कोई जानवर वानवर घुस गया है रात को। रात का कुछ 8 बजा है और पूरे एरिया में जो है कहीं पे बिजली नहीं होगी। मेरा कैंप जो है यहाँ पे लगा दिया मैंने, आई होप जो है सब कुछ सही रहेगा। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा ना। गुड नाइट, सुबह को मिलता हूँ। तो ये था मेरा भूतिया घर का नाइट कैंपिंग एक्सपीरियंस। मैं बताता हूँ अभी आपको, सुबह का 5 बजने वाला है, यहाँ पे कुछ 4-4:30 बजे जो है सुबह हो जाता है भाई। सो यहाँ पे सोने का एक्सपीरियंस ऐसा था कि नीलवट्टा सन्नाटा था, आसपास कोई भी नहीं था, ना ही कुछ आवाज़ हो रहा था, सिर्फ जो है ऊपर से बारिश थोड़ी बहुत गिर रहा था। रात भर जो है यहाँ पे बारिश हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है, देख रहे थोड़ा थोड़ा धूप निकला है अभी यहाँ पे। तो जल्दी अभी यहाँ से पैक करके यहाँ से निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर से बारिश जो है शुरू हो जाएगा। वेदर प्रिडिक्ट कुछ ऐसा ही है, अगले 10-15 दिन तक यहाँ पे बारिश होने वाला है। इसका मतलब है यहाँ पे मानसून जो है आ चुका है। नॉर्थ ईस्ट में जो है मार्च महीने से जो है बारिश शुरू हो जाता है यहाँ पे, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है। और मैं दिखाता हूँ आपको ये नज़ारा भाई, कुछ ऐसा है ये देखो। सो ऐसा है भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आप स्पेशली अरुणाचल के अंदर अगर आप आओगे ना तो बहुत सेफ़ है, आप कहीं पे भी कैंपिंग करके रुक सकते हो। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे भी, मैं अगर बारिश नहीं होता ना ऐसे जगह पे भी आप कैंपिंग करके रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं और चोरी चकारी ये सब जो है यहाँ पे है नहीं, मैंने तो देखा नहीं है पिछले 2 महीने से यहाँ पे घूम रहा हूँ। क्या एक्सपीरियंस पूछोगे तो अच्छा खासा नींद हुआ भाई, ठंड भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, अभी भी कुछ 12-14 डिग्री है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे फिर से बारिश शुरू होने वाला, तो उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। अभी मैं करूँगा इसको पैक, फिर निकलेंगे। वाह भाई धूप निकल चुका है, सुबह सुबह 5 बजे। अभी जो है इस भूतिया घर को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। और दुनिया में भूत होते हैं क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो भाई देखा नहीं, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा है कि भूत कैसे होता है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं तो भाई रात को इस घर के अंदर 7-8 रूम है, हर रूम में जो है लाइट मार मार के ढूँढ रहा था, कहाँ है भूत, कहाँ है भाई, है कहाँ। तो ये देखो यहाँ एक रूम है, ये एक रूम है, इधर जो है मैं, पर भूत कहीं मिला नहीं।
सो मेरे दोस्तों, जाते जाते कहना ये है, हंसते रहिए, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए। जय हिंद।